खबर यह है कि पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हो रहे हमलों को लेकर सख्त चेतावनी दी है। खालिस्तान समर्थकों का बिना नाम लिए पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते खराब करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों और भारतीयों पर जो हमले हुए थे उसी को लेकर ये कड़ी निंदा और चेतावनी प्रधानमंत्री की तरफ से, जिसे लेकर पीएम ने सख्त संदेश दिया। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने इन सभी मामलों में सख्त कार्रवाई किए जाने का भरोसा भी दिया है। तो इस मुलाकात में सबसे बड़ी बात यह भी रही, अहम बात यह रही कि भारतीयों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है और मंदिरों को निशाना बनाया गया, हाल ही में कई बार ऐसा हुआ, एक महीने में दो से ज्यादा घटनाएं सामने आई थी जब ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले हुए थे, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलियाई दौरे की हम आपको अब तीन तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन तीन तस्वीरों में आप देखिए ओपेरा हाउस के किनारे पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम के बीच बातचीत हुई है। और आज स्वदेश लौटेंगे पीएम मोदी, ये जानकारी है। पीएम मोदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मंदिरों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। खालिस्तानी समर्थकों को चेतावनी भी दी है पीएम ने। कल एरेना स्टेडियम में मोदी मोदी के जमकर नारे लगे, पीएम ने भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। ये तीन बड़ी तस्वीरें। तो पीएम मोदी ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे और ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस साल होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने एंथनी अल्बनीज को भारत आकर वर्ल्ड कप देखने का न्योता भी दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीजी और सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस को भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। उस समय आपको क्रिकेट के साथ साथ दिवाली की चमक और धूमधाम भी देखने को मिलेगी। और आइए हम आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर कब कब अटैक्स हुए हैं। तो बात करें जनवरी 2023 की, तो तीन बार हिंदू मंदिर पर हमला हुआ। और 12 जनवरी की बात करें, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, मेलबर्न में स्वामी नारायण मंदिर पर हमला हुआ था और इसको लेकर वहां रह रहे भारतीयों ने भी कड़ी निंदा की थी। खालिस्तानी साजिश, मंदिर की दीवारों पर आपत्तिजनक नारे, ये सब देखे गए थे, लिखे हुए थे वहां पर। और 17 जनवरी वो तारीख थी जब विक्टोरिया के शिव विष्णु मंदिर में तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया था। 23 जनवरी मेलबर्न में स्कॉन मंदिर में खालिस्तानी नारे लगे थे और मंदिर के जो मुख्य द्वार था उस पर झंडा भी लगा दिया गया था। 4 मार्च ब्रिस्बेन में लक्ष्मी नारायण मंदिर पर हमला हुआ था और आपत्तिजनक पेंटिंग्स खालिस्तानी समर्थकों ने मंदिर की दीवारों पर बनाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। यह मुलाकात इसी जगह पर हुई थी, यहाँ का एडमिरल्टी हाउस जो कि विश्व फेमस है। और इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के आपसी हितों से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक को लेकर भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की। इसके साथ ही इस पूरे क्षेत्र में शांति और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने पर भी चर्चा हुई है। खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मंदिरों में हुए हमलों का मुद्दा भी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया है और साथ ही जो अलगाववादी तत्वों के द्वारा समय समय पर हरकत की जाती है उस मुद्दे को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान जारी कर यह बताया कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ लगातार एक्शन होता रहेगा। पीएम मोदी ने इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के पीएम का धन्यवाद भी व्यक्त किया।
किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता दिया है जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप मैच चल रहा होगा और दिवाली के सेलिब्रेशन का भी उस वक्त वक्त होगा। और साथ ही पीएम मोदी ने सितंबर में होने वाले G20 लीडर समिट को लेकर भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता दिया है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है ऑस्ट्रेलिया यात्रा। अगर देखें तो इस यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को एक नई ऊंचाई मिलती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। और हमारे साथ लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं सिडनी से विशाल पांडे। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंडिया विशाल। विशाल, जिस तरीके से पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से कई अहम मुद्दों पर प्रहार किया, खालिस्तानी भगाओ प्लान हो, उपद्रवियों पर अटैक की बात हो, मंदिरों पर हो रही साजिश का जिक्र हो, एक मंच से कई संदेश पीएम मोदी द्वारा दिए गए इस मौके पर। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच ये द्विपक्षीय मुलाकात काफ़ी देर तक चली और इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में जो मंदिरों पर हमले हुए हैं उस मुद्दे को उठाया और इसके अलावा अलगाववादी तत्वों के द्वारा जो गतिविधियाँ की जा रही हैं जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध हैं उसके खिलाफ जो साजिश की जा रही है, ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान जारी कर यहाँ पर बताया है और साथ ही पीएम मोदी ने यह भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के समक्ष ऐसे तत्वों के खिलाफ एक्शन की बात रखी गई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले कई दिनों में खालिस्तान के जो समर्थक हैं उनके द्वारा जो यहां पर उपद्रव किया गया या जिस तरह से कई जगहों पर हमले का प्रयास किया गया, उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह कड़ी चेतावनी यहां पर दी गई है। जो खालिस्तान के समर्थक है, बिना नाम लिए जो अलगाववादी तत्व है, इसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने चेतावनी दी है और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की तरफ से भारत को यह आश्वासन मिला है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी रहेगा और पीएम ने इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी व्यक्त किया है। इसके साथ ही अगर आपको बताना चाहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को जब कल संबोधित किया था उस समय सभी धर्मों के लोग पीएम मोदी के कार्यक्रम में पहुंचे थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को उठाकर कहीं ना कहीं जो ये भारतीय मूल से जुड़े हुए लोगों से जुड़ा मुद्दा था वो सबसे टॉप लेवल पर आज पीएम के द्वारा रखा गया है और इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ऐसे तत्वों के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में और ज्यादा एक्शन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। Z News.